वो गुलाम बनाना चाहती थी, हम आजाद थे हर पहर के। उसका बाप पुलिस में था, हम डाकू थे पूरे शहर के। फ्री फायर एक नशा है साहब, और ये नशा हम 3 साल से कर रहे हैं। आप कितने टाइम से खेले हो, कमेंट में बताओ। उसकी फिकर, उसके वादे, सब बकवास था। मैं जिसे प्यार समझ के बैठा था, टाइम पास था। उसे लगता है ब्रेकअप के बाद मैं खुश रहने लगा हूँ, सही लगता है। अरे किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो डार्लिंग, हमारा गेम प्ले देख के तो तुम्हारी सहेली भी बोलती है। मुझे लड़का पसंद है। सबको सहारा लगाते लगाते अपनी ही डोर कटी है, और मैंने तो सबका बढ़िया साथ दिया, लेकिन जब जरूरत मुझे पड़ी ना, तब बहुतों की फटी है। डिप्रेशन दूर करने के लिए दोस्त के पास आया था, पर ये तो खुद सुसाइड की बात कर रहा है। जानू मैं दिखने में कैसी लगती हूँ? एकदम हीरोइन लगती हो, हीरोइन। खुदा ने तुम्हें फुर्सत से बनाया होगा। सच्ची? हाँ, क्योंकि फालतू के काम ऊपर वाला फुर्सत से करता है। तू मेरी बेइज्जती कर रहा? अरे बेइज्जती क्या बात, के जो होना था वो हो गया, अब क्या फायदा पुरानी बातें बताने में। और मेरे भाई किसी अपने ने छीन ली, वरना तुम्हारा भाई माहिर था हंसने और हंसाने में। भूल गए ना मुझे? क्या करूं, तुम याद करने के लायक भी नहीं हो। आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तुम भी ना, वैसे कर क्या रही हो? मजाक। बात कुछ समझ न पाई। मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना, आपकी गांठ तोड़ दी जाएगी। आखिर घमंड हो भी तो क्यों ना हो, दोगलों के साथ रह के मैं कभी भी उनके जैसा नहीं हुआ। नियम एक ही है सपना, लॉयल रहना। एकड़ी में सैड बिठा ला तेरे जैसी सुंदरा ने, फिर जैक्स पैरों पड़कर डावा। काफी शो ऑफ करने के बाद बोली, मेरे जैसी तुमने देखी ना होगी। मैंने कहा मुझे दिखती भी नहीं है, ब्लॉक करके रखता हूँ ना इसीलिए। अगर हाथ में होती हुकूमत, इन लैलाओं पे फाइन लगाता मैं। वो तो तुझ पे दिल आ गया मेरा, वरना तेरे जैसों की लाइन लगाता मैं। ला तुझे आज एक शायरी सुना दूं? हाँ सुना दो। अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, आजकल की लड़कियां हुस्न पे नाज करती है। वाह वाह वाह, इनसे ढंग से आलू बनाने नहीं आते, और लड़कों का बेवकूफ बनाने की बात करती है। तो हर टाइम बेइज्जती करता रह रहा है क्या मेरी? बेइज्जती क्या बात, लड़कों का बेवकूफ बनाने की बात करो ना, तुम तो कभी नहीं बना सकती ये। अब अकेला रहता हूँ मैं, मेरा किसी के साथ कोई सीन नहीं है। यहाँ सब दोगले हैं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। थोड़ा सहना सीख जाएगा तो रिश्ते बच जाएंगे तेरे। रिश्ते? आत्मसम्मान इज फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रो। मुझसे प्यार करते हो? हाँ, लेकिन तुम तो मेरी कोई परवाह ही नहीं करते। प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। क्यों बदले खुद को किसी के लिए, क्यों करे सब कुछ किसी और की मर्जी से। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा वक्त मांगता है, और प्यार वही है जो सिर्फ आपका वक्त मांगता है। कोई गलती हो जाए उसे समझाओ ना कि छोड़ दो, वो एक्सेप्ट भी करेगा, और अगर कोई सच में अपना समझता है तो वो एडजस्ट भी करेगा। सिंपल। मेरी बहन को लगता है कि रक्षाबंधन पे मैं उसे गिफ्ट नहीं देने वाला, सही लगता है।
पता नहीं कहाँ खो गया वो दोस्त जिससे रोज बात हुआ करती थी। अपना हो गया पराया, कोई पराया अपना खास बन गया। सराफत से समझा रहा हूँ तो बात समझ लो, वरना आप ही कहोगे छोरा बदमाश बन गया। ये तो पता है कुछ नहीं रखा प्यारों में, बहुत समझाया था यारों ने पर भूल नहीं पाता उसको। कुछ उसकी ऐसी झलक सी थी यार, और मिली तो बहुत है जिंदगी में पर उसकी बात कुछ अलग सी थी यार। ते आजकल शीशे नाल होण गल्ला बात। अगर सच का पता हो तो झूठ सुनने में कितना मजा आता है। सैड सॉन्ग सुन के मुझे भी रोना आ जाता है यार, पर फिर जब मैं सोचता हूँ ना कि किसको याद करके रोऊं, नेहा, दीक्षा, प्रिया, प्रीति, फिर मुझे हंसी आ जाती है। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। इस जमाने में धोखेबाज बनो वरना गुजारा नहीं हो सकता। वो करे तो ठीक लेकिन तुम करो तो गवारा नहीं हो सकता। होश में आ जाओ, यहाँ कोई भी शख्स सिर्फ तुम्हारा नहीं हो सकता। हमें आदत ना थी किसी पर भी फिदा होने की, तुम में बात ही कुछ ऐसी थी कि संभल नहीं पाए। गौर फरमाइएगा कि कहानी वही रहती है बस किरदार बदल जाते हैं, लफ्ज वही रहते हैं, इजहार बदल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता, प्यार तो करता है बस यार बदल जाते हैं। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। पैसों की कमी देखकर तू छोड़ गई थी ना मुझे, तो सुन मेरी जान बहुत जल्द खरीद देंगे तुझे। प्यार करता हूँ तुमसे, गुस्सा करने कहीं और थोड़ी ना जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊं इतना प्यार दे मुझे, मैं बहुत बिगड़ा हूं थोड़ा सवार दे मुझे, और तेरी ये दूरियां मुझे अधमरा कर देंगी, इससे अच्छा तो तेरी बाहों में मार दे मुझे। हम जैसों का तो गुजारा सिगरेट है, पहला प्यार भी हमारा सिगरेट है। मोहब्बत के मरीजों से पूछो अहमियत इसकी, बिछड़ने के बाद का सहारा सिगरेट। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो, दरअसल खूबसूरत लोग कम बोलते हैं। अबे घमंड तो इस बात का है कि भले ही हमारा वजन कम है और शरीर थोड़ा पतला है, पर अगर खाने बैठेंगे ना तो तुमसे 100 ग्राम ज्यादा ही खाएंगे। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।